की पटाखा, मैं हूँ आराधना आपके साथ। वेल दोस्तों, शेफाली जरीवाला बिग बॉस सीजन 13 से इन्होंने खूब नाम कमाया और अब इनके हाथ लग गया है इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट। कौन सा है वो बड़ा प्रोजेक्ट बताऊंगी इस वीडियो में, लेकिन अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। वेल दोस्तों, सीरियल भाभी जी घर पर है में आपको बहुत जल्द शेफाली जरीवाला नजर आने वाली है, क्योंकि सौम्या चंदन शो को गुड बाय बोल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सौम्या इस शो को गुड बाय क्यों बोल रही है। इसकी दो वजह सामने आई है। पहली ये कि सौम्या पिछले साल जनवरी में मां बनी थी और उनका बेबी अभी बहुत छोटा है, और ऐसे में कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही है और प्रिकॉशंस को लेना चाहती हैं सौम्या, और इसीलिए शो को गुड बाय कहना चाहती हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजन को है। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि सैलरी में भी काफी ज्यादा कटौती की जा रही है, फी कटिंग हो रही है, और इसी वजह से सौम्या शो को छोड़ना चाह रही हैं, क्योंकि उनकी सैलरी भी काफी ज्यादा काटी जा रही है। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल चुकी है और उसका असर कहीं ना कहीं टीवी इंडस्ट्री पर पड़ना शुरू हो चुका है। वेल दोस्तों, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं शेफाली को सीरियल भाभी जी घर पर है में देखने के लिए, कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। गुड बाय गाइज़।